दो महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। हालांकि अभी सीधे तौर पर इस लड़ाई में दुनिया का कोई ताकतवर देश शामिल नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया भर में खेमेबंदी का सिलसिला बरकरार है। अमेरिका, नाटो और सहयोगी देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं, तो चीन ने खुले तौर पर रूस के साथ होने का ऐलान किया है। ऐसे में तेजी से बदलते हालात को देखते हुए अमेरिका ने अपनी रक्षा से जुड़ी तैयारियों को और ज्यादा तेज कर दिया है। इसी वजह से अमेरिकी सेना अब 30 छोटे छोटे ड्रोन को अपने एक नेटवर्क में शामिल करके टेस्ट करने की तैयारी में जुटी हुई है। खबर है कि इस टेस्ट को अमेरिका के यूटा रेगिस्तान में होने जा रही एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इन ड्रोन्स को युद्ध अभ्यास के दौरान तैयार किए गए दुश्मन के इलाके में अलग अलग तरह के विमानों और जमीन पर मौजूद वाहनों के जरिए लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिकी सेना ने इतनी बड़ी तादाद में ड्रोन्स का टेस्ट नहीं किया है। ऐसे में अमेरिका के इस स्वार्म ड्रोन टेस्ट पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। इस टेस्ट को एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन गेटवे एक्सरसाइज यानी EDGE-22 के दौरान किया जाना है, जो कि 25 अप्रैल से 12 मई तक यूटा रेगिस्तान के पास डगवे प्रोविंग ग्राउंड में आयोजित होना है। लॉन्च किए जाने वाले ड्रोन में LTS-600 UAV और रेथियन के बनाए कोयोट ड्रोन शामिल होंगे। LTS-600 को ट्यूब के जरिए हवा से लॉन्च किया जा सकता है। अमेरिकी सेना के फ्यूचर वर्टिकल लिफ्ट क्रॉस फंक्शनल टीम के चीफ मेजर जनरल वॉल्टर रूगेन ने इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि आप जो देखने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का व्यापक इस्तेमाल और हमारे इंटरैक्टिव ड्रोन झुंड का व्यापक इस्तेमाल है। LTS-600 मॉडल का पेलोड के आधार पर वजन तकरीबन 20 से 27 पाउंड के बीच होता है। इसकी रेंज 276 मील तक है, जो कि एक बार लॉन्च किए जाने के बाद 4 घंटे से ज्यादा समय तक उड़ान भर सकता है। ये ड्रोन खुफिया निगरानी और टोही मिशन को अंजाम दे सकते हैं। इन ड्रोन्स में वॉरहेड को फिट करके किसी सुसाइड मिशन पर भी भेजा जा सकता है। इसके अलावा इस ड्रोन में लॉकहीड मार्टिन के मॉर्फियस या मोबाइल रेडियो फ्रीक्वेंसी को सेट करके काउंटर ड्रोन मेजर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इन ड्रोन्स की खासियत यह भी है कि इन्हें एक बार लॉन्च करने के बाद किसी हेलीकॉप्टर या फिर ग्राउंड स्टेशन से भी ऑपरेट किया जा सकता है। जब कई ड्रोन एक साथ मिलकर मिशन को अंजाम देते हैं तो इस सिस्टम को ड्रोन स्वार्मिंग या स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इनके ज्यादा तादाद में होने की वजह से दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट गन या मिसाइलें भी इनके ऊपर बेअसर साबित होती हैं। ये टेक्नोलॉजी नो कॉन्टैक्ट वॉरफेयर यानी बिना किसी इंसानी कॉन्टैक्ट के युद्ध में बेहद अहम साबित हो सकती है। स्वार्म ड्रोन दुश्मन के इलाके में भारी तबाही मचाने की ताकत रखते हैं। कम लागत, हल्के वजन और हाईटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस ये ड्रोन किसी भी टारगेट को तबाह करने में सक्षम हैं। स्वार्म ड्रोन दुश्मन के इलाके में सक्रिय एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को भी धोखा दे सकते हैं, क्योंकि इनके छोटे आकार की वजह से रडार भी इन्हें पकड़ने में नाकाम साबित होते हैं। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 Digital।